राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र बबली ने बड़ी सी धूमधाम से आज तुलसी विवाह मनाया। उन्होंने बताया कि आज देव उठनी एकादशी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन की सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है। उन्होंने बताया कि कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है। इसमें वृंदा के भगवान विष्णु को श्राप देने का वर्णन है। सुरेंद्र बबली ने बताया कि नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वे बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु के छले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। इसके लिए आपको पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। ये श्राप देने के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर होने का श्राप दिया था। उसके कारण ही शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सूर्यवंशी। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 पंडित सुरेंद्र बबली जी के यहाँ पर। हम इनसे खास मुद्दे पर बात करेंगे। तुलसी विवाह का जो महत्व है, काफ़ी समय से चला आ रहा है। काफ़ी बुजुर्ग इस बात को लेकर लोग बच्चों को बताते थे, इसी बात को लेकर आज हम पहुँचे हैं। हमारा मेन मकसद है तुलसी विवाह का क्या महत्व है, किस प्रकार इनकी पूजा अर्चना की जाती है। सर नमस्कार जी। सर तुलसी विवाह के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे, किस प्रकार का परंपरा है, किस प्रकार का महत्व है। आदिकाल से सनातन धर्म में माँ तुलसी विवाह और पूजन का बहुत महत्व है। सतयुग में देवताओं और राक्षसों का एक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवताओं की लगातार जीत होती रही। उसके बाद में जालंधर नाम का जो राक्षस था वो युद्ध में लड़ने के लिए चल दिया और अपनी पत्नी से कह के गया। वृंदा उनकी पत्नी थी, बड़ी सती और पूजा पाठ में लीन और भगवान विष्णु की परम प्रिय। तो वृंदा जब वो राक्षस जलंधर युद्ध में चला गया, उसी दिन से और जब तक वो युद्ध में रहा तब तक भगवान की पूजन अर्चन वो करती रही और जलंधर लगातार देवताओं को हराता रहा और राक्षस जीतते रहे। जब हालात गंभीर हो गए तो सभी देवगण भगवान भोलेनाथ के पास गए कि प्रभु, राक्षस हम पर हावी हो रहे हैं और हार मानने को तैयार नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ भी उस युद्ध में भाग लेने के लिए चले गए और जलंधर ने भगवान भोलेनाथ को भी हरा दिया। तो इससे देवता तमाम भयभीत हो गए और वो सभी भगवान विष्णु की शरण में गए और एक अनुविनय किया, प्रभु इस युद्ध में हमारी हार हो रही है और जलंधर ने भगवान भोलेनाथ को भी हरा दिया है। सर पुराने समय की परंपरा है, कहीं ना कहीं लुप्त होती नज़र आ रही है, कोई इस प्रकार की परंपरा को नज़र नहीं आता और काफ़ी जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी इस परंपरा को मनाते हैं, इस बात को लेकर क्या कहेंगे। देखिए, पाश्चात्य जो संस्कृति है वो हमारे खान पान पर, पहनावे पर और पठन पाठन पर हावी होती जा रही है। मैं तो एक प्रार्थना समय समय पर जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है सभी से कहता हूँ, भाई युवा जो है हमारे शिक्षावान बने और सनातन धर्म को, जो हमारे संस्कार हैं उनको माने, ताकि ये जो आज की महामारी विपत्ति हैं इनसे हमें निजात मिल सके। तो कितने समय से इस प्रकार की जो परंपरा जो चली आ रही है, तुलसी विवाह की जो परंपरा है, किस प्रकार इनकी शादी ब्याह करते हैं, अर्चना करते हैं, क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब भगवान विष्णु कहने लगे, भाई मैं वृंदा से छल नहीं कर सकता, वो मेरी परम भक्त है और मेरा ही वो पूजन अभी भी कर रही है, तो देवताओं ने काफ़ी विनती की। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, मन की ठीक है आप युद्ध कीजिए और मैं आगे जाके जैसा भी होता है देखता हूँ। तो भगवान विष्णु
वृंदा के महल में गए और उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया। तो आहट हुई, वृंदा ने देखा कि भाई महाराज जलंधर आ गए, तो उसने पूजा तभी छोड़ दी और आकर के जलंधर के चरण छुए। चरण छूते ही शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसके मारते के साथ ही भगवान विष्णु अपने असल रूप में आए, साक्षात विष्णु के रूप में। तो वृंदा, हाय प्रभु, आप मेरे साथ छल कर गए, मैं तो आपके अनन्य भक्त थी, आपकी ही पूजा में मैं लीन रहती थी। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि प्रभु आज आप पत्थर के हो जाओ और सदा पत्थर के रहो। तो ये चारों तरफ हाहाकार मच गया, सृष्टि कंपायमान हो गई। देवताओं ने सब ने प्रार्थना की भाई वृंदा आप अपना श्राप वापस लीजिए, तो सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो वृंदा ने श्राप तो वापस ले लिया, हालांकि लेकिन वो अपने सतीत्व को भस्म कर बैठी और भगवान विष्णु ने कहा भाई मैं पत्थर का ही रहूँगा और चेतन अवस्था मेरी चहूँ और वैसे तीनों लोक में फैलती रहेगी। तो उन्होंने वृंदा को एक सुभाशीष प्रदान किया कि वृंदा आप तुलसी के रूप में जैसे माँ लक्ष्मी मेरे साथ रहती है, इसी रूप पे आप मेरे साथ सदैव रहोगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। तो जो उसकी भस्म थी उसमें भगवान विष्णु जैसे लेटते हैं उसको उन्होंने अपने शरीर पे लेप किया और जो उसके वो झड़े तो उन्हीं कोशिकाओं से माँ तुलसी का जो उत्पत्ति है वो हुई। और उन्होंने कहा देव उठनी जो एकादशी आएगी उसी दिन आपका जो विवाह है सालग्राम से मेरे साथ कराएगा, जो मैं सालग्राम के रूप में हूँ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज तुलसी विवाह भी है, देव उठनी एकादशी भी है, तो इसका पूजन विधि विधान से सबने किया। आपने भी अपने परिवार के साथ बड़ी धूमधाम से पर्व को मनाया। जी, आज हमने भी सनातन परंपरा के अनुरूप माँ तुलसी का पूजन किया, उनको चुनरी चढ़ाई, फल फूल नैवेद्य धूप और जल अर्पण कर माँ से प्रार्थना की, माँ आज देव उठनी एकादशी है, जो भी नवयुवक नवयुवतियों की शादियाँ होने जा रही हैं वो सभी अखंड सौभाग्यवती भवें और सभी सुखी रहें, ऐसी हमने कामना और प्रार्थना भी की। और सभी को माँ तुलसी का विधिवत पूजन करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से आप सभी को देव उठनी एकादशी व माँ तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम, जय माँ तुलसी। ये थे पंडित सुरेंद्र बबली जी, जिनका तुलसी विवाह के ऊपर हमने विशेष उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि परंपरा थी कहीं ना कहीं लुप्त हो रही होती नज़र आ रही थी, जिस मुद्दे को लेकर आज हमने इनसे बात करी है। इसी प्रकार की जो खबरें हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।